वाला कौन जो गनी भाई मेपू किश्ती वाला की नजरों से मेपू जो ये तेरे को उसका पता मैं दूंगा। हाँ महफूज भाई, इसीलिए तो हम आपके दीवाने हैं। दुबई में ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ आकर मुमकिन नहीं हो जाता? ए, तभी तो तूने इतने दिनों बाद मेरे को शक्ल दिखाई काई को। ए, ए, दीवाने हाजिरी देती रहती है, ज्यारत होती रहती है। कसम ले लो महफूज भाई, उस रोज आपसे मिलने को बहुत जी चाहता था। ए, कौन सा रोज? यासर साहब के डिनर पर दूर से देखा था आपको, सोच ही रहा था कि आपके पास मौका मिलते ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप तो दुबई के बड़े बड़े सेठों के बीच बैठकर हिरण उड़ा रहे थे, हम तो बहुत छोटा आदमी दिखाई देने लगा। ये सब एक जैसा है, सब एक जैसा है अंदर से। ए मेपूज भाई की आंखों से देख, क्या तो क्या साला वो सेठ, कोई भी एक नंबर नहीं है। कोई साला एक नंबर नहीं है। ये ले उसका नंबर, आ रख। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज भाई। ये छोटा सा नजराना है, कल ही सिंगापुर से माल आया था, असली हीरे जड़े हुए हैं। आपकी आस्तीन पे सजेगी, खूब सजेगी। ए, ए, इसकी क्या जरूरत थी है? ए, 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 इसकी क्या ए, गनी भाई मेपूज किश्ती वाला ना अपनी आस्तीन छांटता रहता है, ये बहुत साम कुछ रहती है ना इसके अंदर। आए गनी भाई, ये अली भाई विलायत से आए। उधर तो कुल्फी जमती होगी ना चर्दी से। अच्छा वो इधर आ गया। मजबूरियां मौसमों को नहीं देखती गनी भाई। ए मेरे को ये ना पता कि ये मजबूर है। ए गनी भाई मेपूज किश्ती वाले के पास ये खुशी से चल के तो नहीं आया ना? हाँ। ए ए ए विलायत के पैसे इधर ना निकाल, अपनी जेब में ही रहने दे। ए, इस मौसम में तेरे पैसे पिघल जाएंगे। ये पहले काम बोल फिर दाम। गनी भाई इन्हें किसी तक पहुंचना है। ए सिमटम बता देंगे, रास्ता ढूंढना इसका अपना काम है। ए शेर आती जाएगा या पक डंडी टिटोलेगा, इसकी मर्जी। हाँ रास्ता ही समझना है गनी भाई। किस तक पहुंचना है? आज। और अभी है? मेरे पास वक्त नहीं है महफूज भाई। ये वक्त तो ये जब आते ही होगा ना। ए क्या बात है दानियाल, ए तू खुद को मेपूज भाई के सामने गैर मेपूज समझता है काई को? अरे ये बात नहीं है महफूज भाई, सारी दुनिया की नजरें एक में। डरने वाली कौन सी बात है यार? अरे ये तुम कह सकते हो ना महफूज भाई, दुबई का कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है जो तुम्हारी पुश्त पर नहीं है? और तू ए, 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 ए तेरी पुश्त पे मैं हूं मैं। ये शाने एक तरफ तो आज ग्रुप ऑफ कंपनीज की चीफ आज बदरुद्दीन, दूसरी तरफ वो उसका नाम नहीं लेने का। वैसे एक बात है महफूज भाई, दांत देनी पड़ेगी, हर बात की खबर है आपको। ये पिछले 30 सालों से इस शहर में बसने वाले तमाम लोगों के खुफिया रास्ते इस दिल के चौराहे से होके गुजरते हैं। इस चौराहे पे ना कोई ट्रैफिक सिग्नल है, ना कोई ओवरहेड ब्रिज है, फिर भी कोई हादसा नहीं होता, सब आराम से गुजर जाते हैं। ए महफूज भाई, उसे पता तो है ना वो यहाँ आ जाएगा ना? अगर भटक गया ना तो हवा का रुख उसको इधर का रास्ता बता देगी, अगर वो डूब गया तो समंदर की लहरें उसे इधर का पता दे देंगी। तो उसे आज की तलाश है अपने शानदार मुस्तकबिल के लिए। वालेकुम सलाम, किधर है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पैगाम दिया था मुझे, मैं इसलिए आया हूँ। तो ये कोई सिरा मिला? ये सिरा नहीं बल्कि डोर मिली है। डोर? एक ऐसी डोर, ढील देते जाओ तो एक किनारे से दूसरे। ए, ए, तेरे को मैंने इसके लिए बुलाया, ये है वो। अब तुम दोनों अपने मामला तय करो और चलो।
मेरे को समंदर के दूसरे किनारे पे जाना है। जाओ शाबाश। अच्छा महफूज भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बातें कसम ही हिफाजत करने वाले की, जिसकी वजह से हम सब महफूज है। मैं नहीं जानता कि वो शख्स कौन है, उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है, मेरे को नहीं मालूम भाई। लेकिन गरीब भाई आपने उसे किसी से मिलवाया जरूर है, ये आप मानेंगे? ए गनी भाई, मैं पूछ किसी वाला, ठीक है? हाँ देख भाई, किसी ने उसको मुझसे मिलवाया, मैंने उसको उससे मिलवा दिया, अच्छा किया ना। ये बार्टर सिस्टम में ये सब चलता है। हाँ अच्छा ये बताओ, वो कौन था जिसे आपने उससे मिलवाया था? एक कायकू, मैं कायकू बताऊं है? ए, लेकिन तू जान के ये क्या करेगा, नबी देवता कान है? अरे भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये बार्टर सिस्टम में एक दूसरे का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। ए यार, एक तो मेरी घड़ी हर वक्त खुली रहती है यार, बंद नो। अभी भी खुली हुई है। ए वजनी वजनी यार, ये भाई सारा इसी पैसे का ही लपड़ा है। तेरे को क्या, मेरे को क्या, उसको क्या, ये ढूंढने वाला भी उसी के पीछे, छुपने वाला भी है। देखो गनी भाई, याद रखो हमने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। ये गनी भाई, मैं पूरी वाले ने कब तेरा ख्याल नहीं रखा है? अभी तो ऐसे कर गनी भाई, मैं पूछ किश्ती वाले ने कब तेरा ख्याल नहीं रखा है? अभी तो ऐसे कर, चार जा पठानों की बस्ती में, उधर टैक्सी ड्राइवर होगा मुनीफ खान, वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। मुनीफ खान, ये बहुत मजा आया यार। दरवाजा बंद कर दिया। देख बिल्ली, तेरे साथ वादा किया था ना, तो तेरे को नए दौर की गाड़ी लेके मैंने दी। हालांकि तेरे को पता है कि मेरे को ना शॉपर का शौक है, शॉपर के बगैर तो मैं कहीं जाता आता नहीं। अब ये काम तू किया करेगी, मेरे को इधर से पिक भी किया करेगी, मेरे को ड्रॉप भी किया करेगी। अब तू जा, मैं तेरे को फोन कर दूंगा। ये इधर क्या देखने का, इधर सिर्फ मेरे को देखने का, काम कर उधर देख, काम कर। एक एक पल की खबर। हाँ महफूज भाई, एक एक पल की खबर रखना होगी, खासतौर पर उस पेंट हाउस की। ये क्या मतलब? मतलब ये कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है। ये घर किधर रहा आप? ये घर तो वो मस्कीन जमशेद बदरुद्दीन की वजह से था। ये वैसे वो शक्ल से बड़ा मिस्कीन लगता था, था बड़ा चला, सारा पैसा लेके मर गया। ए आजकल तो वो होटल की ऊपर वाली मंजिल पे रह रही है ना, ये क्या बोलते हैं उसको? ओहो महफूज भाई, पेंट हाउस बोलते हैं उसे। हाँ हाउस हाउस हाउस। अभी क्या करना है कि होटल की सिक्योरिटी से ए उसको क्या बोलती है वो जो कमरे में बिस्तर ठीक करता है, चाय पे, ये क्या उसका नाम? हाउसकीपिंग। हाँ कीपिंग कीपिंग। ए दानियाल, अभी मसला बहुत टेढ़ा हो गया है। काम तो करना है, तूने बोला है तेरा काम तो करना है, काम हो भी जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। क्या? इधर तेरे को बात का मजा आया ना, तभी सीटी मार। हम और कुछ भी नहीं मांगते, हमको सिर्फ उसका पता बताओ महफूज भाई। हम इधर दुबई में सिर्फ उसका तलाश में आया है। अफसोस कि उसका पोटू हमारे पास नहीं है, और जिसने हमको इधर भेजा है वो भी इधर नहीं है। अगर वो इधर होता तो हम कब का अपना पर्स पूरा कर चुका होता। ये तू जिस बंदे का नाम बता रहा है ना, मेरी अकल की बुराई बोलती है कि वो दुबई में नहीं, किसी और मुल्क में तो हो सकता है, इधर बिल्कुल भी नहीं है। वो इधर ही है, हमारा दिल बोलता है, हमारा ईमान बोलता है कि वो इधर ही है। और खुदा का कसम, जिस दिन हमको वो नजर आ गया, हम उसका सीने में इतना गोली उतारेगा कि वो याद रखेगा। ये ख्याल कर, ख्याल कर, ये दुबई है, इलाका गिर नहीं है।
ये वैसे भी तू जिन लोगों के साथ काम करता है ना, वो इस मुल्क के बहुत बड़े लोग हैं। दुबई में असला रखना, मौत को आवाज देना है। हाँ, हमको मौत का खौफ नहीं है। हमने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना धरती नहीं छोड़ा, अपना वतन नहीं छोड़ा, अपना जिंदगी छोड़कर आए महफूज भाई। हम तो उसी दिन मर गया था, खुदा का कसम, हम तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमारा गैरत। मेरे बाप, तो बा, इतना गुस्सा, इतनी आग। ए भाई, तेरी उसके साथ दुश्मनी क्या है? हम नौकरी के लिए दर बदर, खाक बजर, अपना वतन से दूर। और जब हम वापस आए, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा पूरा खानदान कटा हो गया, हमारे सामने बैठा, हमारा जिंदगी उधरी तबाह हो गया महफूज भाई, जब घर में हमने अपना गैरत नहीं देखा। वापस सिद्धा मत आना, हम भी अपने सर का बोझ अपने वजूद से उतार देगा। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ महफूज भाई, इससे ज्यादा तो मौत हम लोगों के लिए है ही नहीं महफूज भाई। हम समझेगा कि हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, वो वादा जो अपने नस्ल के साथ किया महफूज भाई, वो वादा जो अपने खानदान के साथ किया महफूज भाई, हम वो इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। हुनर तो हर एक में होता है जर्नलिस्ट जी, कमाल ये है कि उसको कौन किस तरह बेपूछ करता है या जाया कर देता है। बेपूछ रखना भी जरूरी नहीं होता, सबसे बड़ा फन है उसका इस्तेमाल। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे हो सकता है? उसको कीड़ा समझना और कीड़ा पले दे। कीड़ा? ये कीड़ा वीड़ा कहाँ से आ गया जी बीच में? मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। ए, नहीं समझी? मुझे पता था कि तू नहीं समझेगी। मैं काहे को, मैं समझाता हूँ। कीड़ा जो गंदी नाली के अंदर भी चला जाता है और साफ सुथरे कालीन के अंदर भी अपना रास्ता बना लेता है। अब दूसरों को तो पता ही नहीं होता कि कीड़ा अंदर है कि नहीं, लेकिन कीड़े को खबर होती है कि कौन किधर है किधर नहीं। मगर कीड़ा तो किसी के पांव के नीचे आके कुचला जा सकता है। नहीं नहीं, मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा है जो उड़ नहीं सकता। ओके, आई सी, परों वाला कीड़ा। मगर उसके परों के बारे में किसी को पता ही नहीं होता। पर ये कैसे मुमकिन है जी? मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा। क्या नाम बताया? मलाइका। अब मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम गनी भाई है। मैंने अपना तकल्लुस रखा मेपूज किश्ती वाला, गनी भाई मेपूज किश्ती वाला। आप मेरे को गनी किश्ती वाला या मेपूज किश्ती वाला बोल देना है। क्या बात है जी आपकी। तो आप, मेरा ख्याल है जरासीम की यानी कि जर्म्स की बात कर रहे हैं। डॉक्टर या साइंसदान अपनी गुड़कू से देख लेते हैं। यू मीन वायरस? वो वायरस जो कंप्यूटर नेटवर्क में भी आ जाता है। वही तो बोला। ए जर्नलिस्ट जी, आपको मेरी ये जगह कैसी लगी? Absolutely amazing, कमाल की जगह आपकी तो। हम खुद कमाल है तो जगह भी तो कमाल होगी ना। ए देखिए ना जी, हम हर एक की खबर रखते हैं तो हमारी खबर क्यों नहीं लग सकती? आप ऐसा करो कि मेरी तस्वीर अपनी मैगजीन की फरन पे लगाओ, फिर मैं आपको कुछ। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी महफूज भाई। ए तो मेरे को महफूज किश्ती वाला बोल या गनी किश्ती वाला बोल, ये बाप बाप
ये मत बोला, वैसे तू यहाँ काय को आई? आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का तो आपने सुना ही होगा। मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे उनके बारे में कुछ मालूमात दे दें तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। देख ना, तू मेरा इंटरव्यू लगाएगी ना तो मैं तेरी ऐसी खबर लूंगा। क्या? मेरा मतलब है ऐसी खबर दूंगा कि तू क्या याद रखेगी। है? लेकिन देख मेपूज भाई, मेपूज साहब का नाम नहीं आने को है? कुछ नहीं होगा, आपका नाम नहीं आएगा। यू कैन ट्रस्ट मी, आई मीन आप पूरी तौर पे मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ए, क्या बोल रही है? आई न्यू इंग्लिश, आई कुड स्पीक। क्या क्या कह रहे हैं आप? अब तू जा, फिर मिलेगी तो फिर और बातें बताऊंगा। नहीं, आप मुझे अभी बताएं, आज के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? इसको तो पीछे रख, बंद कर इसको, राज की बात है। आज सुबह, दोपहर, सुबह, शाम, रात में तकसीम हो रही है, उसके जायदाद के हकदार पैदा हो गए। अली बदरुद्दीन, जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। हाँ। अली, ये है वो कातू। कातू, ये अली बदरुद्दीन, ये जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। ये है अली, अली बदरुद्दीन, जमशेद का बेटा। जी, मुझे अली बदरुद्दीन कहते हैं। तू इनको नहीं जानता लेकिन ये तेरे को। तुम जानते हो आज क्या डेट है? आज तुम्हारे बाप का बर्थडे है। और आज के दिन मुझे बहुत याद आया। मैं वो सोनत ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या जानते हो तुम? क्या बताया क्या है तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में? कि वो कार एक्सीडेंट में मर गया? जी, यही बताया गया था। वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था। उसका परिवार What? ऐसा कैसे हो सकता है? It was a car accident. गाड़ी एक गहरे खड्ड में जाकर गिरी थी। ऐसा जाहिर किया गया था। उस रोज उस कार में बैठ के गए। वो कार उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कुचली पाई गई। लेकिन अपनी जगह पर ये भी एक हकीकत है कि बदरुद्दीन की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? राज, ये राज मैंने सालों से अपने अंदर छुपा के रखा है कि उनका कत्ल किस लिए किया? इकसा करने के लिए। जब तुम्हारे सामने। आप मेरे वालिद को कब से जानती हैं? इस औरत के मिलने से पहले हम दोनों दूसरे से बहुत खुशहाले थे। तुम्हारे बाबा ने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तुम्हारी माँ को बहुत याद करते थे। जोहरा नाम था ना तुम्हारी वालदा का, और तुम्हारी पुप्पो बतूल। उन दिनों जमशेद यहाँ नए नए आए थे जब तुम्हारी पैदा हुई थी। इल्हाम नाम हमने रखा था उसका। हमारा याद था कि हम यहाँ वे में बुलाएंगे। तुम्हारे बाबा तुमसे और तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते थे। ये सब कुछ वो तुम लोगों के लिए तो कर रहे थे। आज ये बिजनेस एम्पायर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंदौर का एक सिरा तो थमा दिया। तुम
परेशान करना मेरा मकसद नहीं था, वो तो मुझे महफूज के जरिए तुम्हारा पता चला। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाप के कातिलों से उनके कत्ल का इंतकाम लो। बिल्कुल बेफिक्र है, मुझ पर छोड़ दें, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ए, ए मेरी बच्ची, ए रोने का नहीं है ना, ए तू मजबूत हो मजबूत। ए तेरा भाई खैरियत से होगा, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है। हाँ, अभी मैं तेरे को बताता हूँ, एक बार मैंने उसकी दावत की, वो 26 रोटियां खा गया, 26 रोटी खा। रोने के नहीं, मैं फोन कराता हूँ। अपनी फूफो को बताने का नहीं, इधर क्या हुआ? तो अब आप क्या चाहते हैं? तेरे को उसके भाई से दोबारा मिलना होगा और उसको सब कुछ सच सच बताना होगा। और कहना होगा कि जो कुछ उस दिन मैंने कहा था वो सब झूठ था? नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे जलील करवाओगे? वो सब कुछ तो मैंने सेठ जलाल की के लिए भी किया था ना। तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं महफूज। तुम कभी खुद अपने आप से पूछो तुम कौन हो, किसके साथ हो। उस दिन तुमने मुझे कहा उस लड़के के मरहूम बाप की दूसरी बीवी से उसे बदगुमान करना है, और आज आज तुम मुझे कहते हो कि तुम्हें उस लड़के की बहन पे तरस आ गया। क्या ऐसे ही हुआ? उस रोज से मेरे को चेत नहीं आ रहा है, मेरे सीने में समंदर भर के बहुत सोर है। मैं पूछ भाई नहीं रहा। बिल्ली ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा, कहाँ है वो लड़का? तेरे को वो मिल जाएगा। इस काम के दाम अलग होंगे। कैसी बात कर रही है बिल्ली? तेरे को पता है महफूज भाई भाव नहीं करता है, ये चकूर के लिए कुछ भी दे सकता है। अपनी जेब से दोगे कि सेठ जलाल से लोगे? देखो तुम दोनों ना मेरे लिए बच्चों की तरह है, अगर तुम चाहो तो मेरे को माफ कर दो, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मेरी बिल्की तो है ना मेरे साथ। राम, यही वो खातून है जिन्होंने मुझे बताया था कि हमारे बाबा हादसे में हलाक नहीं हुए बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। वो झूठ था। मैंने ये सब कुछ ना किसी के कहने पे अरेंज किया था कि तुम दोनों बहन भाई आज से नफरत करने लगो। हाँ, महफूज के कहने पे मैंने ये नाटक किया था। I'm sorry. मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम लोगों का बाप कौन था। उनके बारे में सारी डिटेल्स मुझे फीड की गई थी। महफूज भाई, आपको पता नहीं आप इस नाटक से मैंने आज को क्या, गॉड। महफूज भाई, आपने ये सब कुछ किसके कहने पे किया? देखना वो ये प्रोफेशन है एथिक्स। एथिक्स ना, तो मैं नहीं बता सकता। महफूज भाई, आपको पता नहीं मैंने उनको इतना बुरा भला कह दिया। आखिर आपने ये सब कुछ किसके कहने पे किया, प्लीज बताइए। तो मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। अली, तुम्हें पेंट हाउस आना होगा मेरे साथ। श्योर, लेकिन आप बताइए तो। ए मेरे बाप, ए प्रोफेशन एथिक्स भी तो कोई चीज होती है ना। अब ऐसे है कि मैं तेरे को बता तो नहीं सकता ना, तू अपनी ये मोटी कोपड़ी पे जोर डाल, कुछ सोच। चल मैं तेरे को ना ए हल्का हल्का बता देता हूँ। ए अक्का दुबई में ऐसा कौन जो तुम दोनों बहन भाइयों को तुम्हारी दूसरी माँ से दूर रखना चाहता है? हाँ सोच। मैंने अपने कानों से सुना है महफूज भाई, उनका बाप जिंदा है।
ए मेरे बाप, ये मुर्दा जिंदा कैसे हो गया? आई डोंट नो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करना है महफूज भाई। शेख जलाल ने मेरी रकम देनी है और मुझे दुबई छोड़ना है, और बदुद्दीन भी शायद इसी चक्कर में यहाँ आया है। ये मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ये तो पता लगा सकते हो ना कि बदुद्दीन है कहाँ। ए दानियाल, अगर बदरुद्दीन दुबई में है ना, तो गनी भाई मेपूज किश्ती वाला की नजरों से मेपूज नहीं रह सकता यार। अभी तू ऐसा कर, अपनी परेशानी का वॉल्यूम कम कर, मुझे किश्ती का वॉल्यूम बढ़ाना है। ये भाई, ये कोयता क्यों रखा हुआ है? आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं आया करूं तो इसको निकाल दिया करे ना। वैसे एक तो वर्मा की है ना, ये भी बहुत अच्छी है, पाली भी बहुत अच्छी है। ये दुबई में सर बोल जो गनी भाई बिपुल किश्ती वाले से अच्छा किश्ती बना लेता है। ये बच्चे एक बात बोलो शेर चला, आप अगर दुबई में पहला आदमी हो जिसको मैं आप कहता हूँ, आपकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ ना। आप अकेले आए? ये दो चार साथ ना देते क्या? बैठो। ये एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब बदरुद्दीन का बेटा आपके पास था तो अब नकली बेटे की जरूरत क्यों पड़ गई है? ओहो महफूज भाई, अब वो मेरे हाथ में नहीं रहा। पता नहीं किस बदबख्त ने उसे मुझसे बदगुमान कर दिया है। जब से उसे उसकी बहन मिली है, उसका बाप वापस आया है, वो बिल्कुल बदल गया है। अब तो शायद वो आज के साथ ही रहने लगा है। ए, अब आप क्या चाहते हैं? मुझे उसकी उम्र का एक ऐसा नौजवान चाहिए जो थोड़ी देर के लिए अली बदरुद्दीन का रूप धार सके। अली बदरुद्दीन के तमाम पेपर्स की फोटोस्टेट कॉपी मेरे पास मौजूद है। जमशेद बदरुद्दीन दुबई में आकर मेरी नाक के नीचे से निकल गया है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में अब भी एक क्लॉज की गुंजाइश मौजूद है जिसके तहत मैं उसकी तमाम जायदाद उसके वारिस अदली बदरुद्दीन को दिलवा सकता हूँ, और दुबई के तमाम बैंक्स में अब भी जमशेद बदरुद्दीन के नाम के साथ मरहूम ही लिखा जा रहा है। ये बड़ी दूर की सोचते हैं आप शेख जलाल। ये इतने अरसे से जमशेद बदरुद्दीन के बेटे को इसलिए सीने से लगाए रखा? हाँ, मेरे पास वक्त कम है। जमशेद बदरुद्दीन के दोनों बच्चे पेंट हाउस पहुंच गए, और अब अगर जमशेद बदरुद्दीन वहां पहुंच गया और आज ने एक्सेप्ट कर लिया तो महफूज भाई, हमाद उस घर को कभी उजड़ने और बिखरने नहीं देगा। ये आप किसे कह सकते हैं? इसलिए कि मैं हमाद को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि हमाद के अंदर माफी का कितना बड़ा और गहरा समंदर, और वैसे भी बदरुद्दीन उसका चहीता है, वो ये नाते कभी टूटने नहीं देगा। हमाद हमेशा माफी का दरवाजा खुला रखता है। वैसे भी आपके लिए क्या खतरा हो सकता है कि बदरुद्दीन अपनी बीवी बच्चों के साथ उस हाउस में बाहिफाजत मौजूद हो तो? नहीं समझोगे, अगर जमशेद बदरुद्दीन और हमाद एक हो गए और कहीं मुझे बदरुद्दीन और इंश्योरेंस का पैसा लौटाना पड़ा तो मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। I'll be finished. हाँ महफूज भाई, मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल और उसके घर को तबाही से बचाना था। ये शुक्र है दानियाल, तेरे को भी एहसास हुआ। वो बेटियां तो हर दिल रखने वाले इंसान को अंदर से मुअज्जब कर देती हैं। हाँ, ये महफूज भाई इतनी जल्दी तो किसी पे एतमाद नहीं करता है ना।
लेकिन तेरी बात दिल को इसलिए लगती है कि तूने बेटी की बात की है, और वो भी इसलिए कि अभी अभी महफूज भाई ने भी किसी की बेटी के सर पे हाथ रखा है। दानियाल, मेरा अंदर से सब कुछ धुल गया है, ये मेरी आंखों के सामने से धुन छट गई है। बाप महफूज भाई, हम आपको अपने साथ समझे? ये पहले ये तय करना होगा कि कौन किस पास पे, ये सामने दुश्मन कौन है। ना, कैसी बातें कर रहे तू दानियाल? मैं शेर जलाल के तमाम शेर कैसे खरीद सकता हूँ और क्यों खरीदू भला? शेर जलाल एंड सन्स के शेयर्स डाउन जा रहे हैं, तुम वो शेयर्स खरीदोगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि वो चढ़ जाए। ए क्यों, ए मैं घाटे का सौदा क्यों करूंगा? ए तू मेरे को नपे कराता दिखाना। रकम हमारी होगी महफूज भाई, खरीदार तुम्हारे। जैसे ही खरीदारी बढ़ेगी आम लोग भी मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे, और जब वो शेयर्स खरीदेंगे तो उन शेयर्स का भाव चढ़ जाएगा, और जैसे ही भाव चढ़ेगा आप कम कीमत पर अपने शेयर्स मार्केट में बेच दोगे, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये आपने समझा, इस तरह तो शेर जलाल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ए दानियाल, ए तेरी अकल की मोटर बोट तो ये कंप्यूटर से ज्यादा तेज दौड़ रही है। बहुत जरूरी है महफूज भाई, शेर जलाल को उसके अंजाम तक पहुंचाना, उस मकाम तक जो वो डिजर्व करता है।